So good morning, friends. As we all know that there are interviews for metro trains and candidates are going for CRA and other posts. Today we have Gunesh, and it's a matter of pride that Gunesh has got selected here. And now he has only psychometric test remained. Otherwise, in interviews, his name has come in the list and he got selected. So first of all, Gunesh, it's a matter of pride for you. Congrats from both of us. Yes, give congratulations to him. So Gunesh, I want some experience ताकि जो भी बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट मिले. तो सबसे पहले मैं ये बताइए कि इंटरव्यू के दौरान आपसे क्या-क्या पूछा गया और आपको कैसा लगा और क्या आपको लगता है थोड़ा हार्ड है या इजी टफ स्टफ है ये? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम किसी अदर स्टेट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें वहाँ की लैंग्वेज का पता होना चाहिए, हमें लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए. जैसे कि अभी महाराष्ट्र मेट्रो के जो फॉर्म निकले हैं तो उसके अंदर उन्होंने कंपलसरी किया कि आपको लिखना आना चाहिए, बोलना मराठी मराठी लिखनी आनी चाहिए. वंडरफुल. देखिए, गुनेश के साथ भी यही एक्सपीरियंस हुआ ड्यूरिंग एन इंटरव्यूज. व्हाट हैपेंड कि गुनेश से पूछा गया कि गुजराती में कुछ लिखिए, आपसे क्या क्या लिखवाया गया गुनेश? मुझसे इंट्रो लिखवाया गया था और और जो उन्होंने कुछ बोला वो भी मैंने. सो अगर आपको कुछ ध्यान हो, जब हमने आपको डीएमआरसी के टिप्स दिए थे लास्ट इंटरव्यूज के अंदर, तो हमने आपको एक बात बोली थी कि आपने रीजनल लैंग्वेज को प्लीज अच्छे से कंट्रोल करके जाइए और एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन और सिटी के बारे में कम से कम करके जाइए. और यही हुआ आपसे. और क्या क्या पूछा गया गुनेश? सर, मुझसे हमारे सिटी के बारे में पूछा गया कि आपकी सिटी कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है. ओके, देखिए, अपनी सिटी का नॉलेज रखना बहुत अच्छी बात है. इवन आप अपने स्टेट के बारे में भी करके जाइए. मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ सिटी नहीं, आपको अपने स्टेट के बारे में भी करके जाना चाहिए. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यस, और आप हमें मतलब शेयर कर सकते हैं कि मतलब वहाँ का जो माहौल था, एनवायरनमेंट कैसा है जो भी आप इंटरव्यू देने गए? बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट था. जब मैं इंटरव्यू रूम में एंटर हुआ तो मैं एक स्माइल के साथ गया था और उन्होंने भी मुझे अच्छे से स्माइल के साथ ही उन्होंने रिस्पॉन्स किया. तो ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा था और उनका व्यवहार भी उसी स्माइल के अकॉर्डिंग था. अभी अंदर आया है तो हम वैसे व्यवहार करें. ओके. उन्होंने कुछ आपको खाने के लिए दिया गुनेश के? नहीं पूछा, पानी वगैरह या कुछ खाने के लिए आपको दिया? सर, उन्होंने मेरे लिए चाय मंगवाई थी और गुजराती डिशेज का भी टेस्ट करवाया उन्होंने. ओके. और यस, एनीथिंग? आप की जो ड्रेसिंग सेंस थी वो हमारी व्यूअर्स को प्लीज बताएं ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें अगर इंटरव्यू के लिए जाएं. बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट बात है. बहुत से कैंडिडेट्स मुझसे ही पूछते रहते हैं सर, ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यूज? सर, ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल प्रोफेशनली था. मेरे लाइट ब्लू शर्ट थी और डार्क ब्लू पैंट थी और ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन था फॉर मेट्रो की तरफ से ले लीजिए या फिर रेलवे की तरफ से ले लीजिए, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. और जब आप एक इंटरव्यू में जाते हैं. And आप शूज के बारे में? और शूज मेरे बिल्कुल ब्लैक थे और तो ब्लैक शूज भी प्रोफेशनली शो करते हैं आपको, तो ब्लैक शूज. ओके. और आपसे खाने पीने के बारे में आपने कहा मुझसे बहुत ज्यादा पूछा गया, तो उसमें कुछ ऐसा पॉइंट बताइए हमारे व्यूअर्स को ताकि वो भी ट्रेंड हो जाए इस पॉइंट के लिए. उन्होंने थोड़ा आगे आ जाओ आप, तब बताओ थोड़ा सा प्लीज. हाँ जी, उन्होंने कहा कि आपको आपके यानी कि राजस्थान में क्या क्या फेमस है. ओके. तो आपको राजस्थान के आपके नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपको चारों दिशाओं में जो भी फेमस आपके राजस्थान में वो आपको पसंद यानी पता होना चाहिए. बिल्कुल, बहुत जरूरी है. और जो आपके सिटी है उसमें क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या फेमस है, वो भी आपको पता होना चाहिए. राइट राइट, बिल्कुल. तो आपको पता था सब कुछ? यस. ओके, वो इम्प्रेस हुए आपसे? और कोई उन्होंने कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा हो जो आप व्यूअर्स को बताना चाहो ताकि वो भी उस चीज के लिए तैयारी करके रखे? उन्होंने पूछा था एक पर्सन के लिए इंपल्सिव नेचर क्या होता है. ओके. वो उसका भी एक पर्सन सडनली गुस्सा हो जाए. राइट. इंपल्सिव नेचर है. राइट, वंडरफुल. देखिए, वैसे तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर आ गया परसेंट जो आप देने वाले हैं, यानी कि अभी जो गुनेश देने वाले जो टेस्ट उसका पार्ट है. पर फिर भी मैं यही कहूंगा व्यूअर्स से कि वे इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी करके जाइए. और भुनेश, आपको क्या लगता है ड्यूरिंग इंटरव्यूज कैंडिडेट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर, मैं एक प्रोफेशनल तरीके से गया था, जिस तरह मेरे को मनोज सर ने बताया था भी हाउ टू एंटर इन द इंटरव्यू रूम एंड हाउ टू सीट, एंड जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तो आप चेयर को सेट करेंगे. वेरी गुड. स्टूडेंट्स, एज यू नो, पर्सनैलिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन योर लाइफ. तो एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ अगर व्यक्ति जाता है, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं और ये सिलेक्ट भी हुए. इन्होंने ये हमें बताया वहाँ पर गुजरात के कुछ कैंडिडेट से जो प्रोफेशनली नहीं बन के आए थे. ओके, क्या ड्रेसेस पहन के आए थे वो गर्ल्स? बॉयज भी आए होंगे सर, यानी गर्ल्स ने तो सर जींस वगैरह पहन रखी थी. ओके. और जो बॉयज थे किसी के शेव थी. ओके. और कोई यानी कि ऐसी निंदों में उठ के आ गया. ओके, देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है
कि ड्यूरिंग एन इंटरव्यूज आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल आप जींस में नहीं जा सकते, बिल्कुल ये जो बोल रहे हो गर्ल्स गई थी तो इट इज़ वेरी रॉन्ग, और जो कह रहे हैं शेव ही नहीं करके गए तो डेफिनेटली उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो गए होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आप प्रोफेशनल लुक के अंदर गए तभी आपका सिलेक्शन हुआ, और आपसे कोई ऐसी इनफॉर्मल बातें करी उन्होंने कुछ नेचुरल सी बातें जो आपसे फ्रेंडली टच लाने के लिए? सर बिल्कुल सर, सब कुछ फ्रेंडली था और कुछ भी यानी कि मेट्रो से रिलेटेड नहीं था, बस ये क्वेश्चन था कि आप जयपुर मेट्रो में क्यों नहीं गए, गुजरात मेट्रो क्यों प्रेफर? ओके, क्योंकि आप राजस्थान के हैं। बिल्कुल सही बात है, जो राजस्थान का व्यक्ति तो उससे पूछ सकते हैं कि आप जयपुर मेट्रो में क्यों नहीं गए। वंडरफुल, तो आपने तो एक साइंटिफिक आंसर दिया होगा फिर उनको, और इमोशनल टच नहीं दिया आपने, बिल्कुल जेन्युइन बात कह दी उनको। आपने क्या कहा उनके, आपने उन्हें क्या कहा कि? सर मैंने उनको यही कहा कि जो जयपुर के लोग हैं वो अब आज भी यानी कि उन मिनी बसेस में जाना पसंद करते हैं। ओके, इसलिए जयपुर मेट्रो की राइडरशिप 90,500। वंडरफुल, देखो साइंटिफिकली तो ये सही है, बट अगर मैं कहूँ तो थोड़ा और टच देना चाहिए इस आंसर को, अगर ये थोड़ा और टच देते तो और ज्यादा अच्छा रहता। आपकी हॉबीज वगैरह भी पूछी गई आप बता रहे थे सर, तो आपकी हॉबीज में आपने क्या बताया? सर माय हॉबीज आर ट्रैवलिंग और मीटिंग न्यू पर्सनालिटी एंड रीडिंग बुक्स। ओके, कुछ बोला उन्होंने उनके बारे में, कुछ पूछा आपसे? उन्होंने सर ट्रैवलिंग के बारे में पूछा था, अभी ट्रैवलिंग क्यों पसंद है? क्यों पसंद है? क्रॉस सोशलिंग्स, वेरी राइट। तो मैंने कहा मैं सर नई जगह पे जाना, नए लोगों से मिलना, यस, वहां के नए-नए फूड ट्राई करना, अलग-अलग जगह पे आपको बेहद पसंद है, अच्छा लगता है। ओके, फिर उनका क्या जवाब था आगे? उन्होंने कहा कि आप कहाँ गए, ओके, क्या क्या ट्राई किया, राइट। तो मैंने कहा सर मैं यानी कि जयपुर गया हूँ और मथुरा गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, राइट, और इधर नागपुर वाली साइड गया हूँ, तो वहाँ के मैंने फूड ट्राई किए थे, तो ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस था सब कुछ। ओके, और आप बता सकते हो जो भी आपने इंटरव्यू दिया, क्योंकि कई बार सर व्यूअर्स के भी क्वेश्चन रहते हैं कि हम अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दें या फिर प्रॉपर हिंदी में दें। हाँ, इस क्वेश्चन के बारे में तो आप क्या कहोगे? सर मेरा 60% इंटरव्यू इंग्लिश था और 40% हिंदी था, वर्ड मिक्स अप। वेरी नाइस, यही मैं टिप्स में भी आप लोगों को देता रहता हूँ, आप अगर मेरे पिछले इंटरव्यू टिप्स देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि इंटरव्यू कभी एक लैंग्वेज में देना ही नहीं चाहिए। अब आगे एक लैंग्वेज में रहते हैं तो वो लास्ट में आपसे कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर पूछेगा ताकि वो दूसरे लैंग्वेज का चेक जरूर करेगा, तो ज्यादा अच्छा आप पहले से तैयार हो इस बात के लिए कि वो जब आपसे इस तरीके की बात करे तो आप बाइलिंगुअल रहो अपनी लैंग्वेज के अंदर, ताकि उसको लगे हाँ ये वेल वर्स्ड है इंग्लिश हिंदी। जैसे आपने बोला 60% इंग्लिश 40% हिंदी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी राइट, एंड आप ये बताओ कि बिफोर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड आफ्टर द इंटरव्यू आपने ऐसी कौन सी बातें की हैं फोकस जिससे आपका सिलेक्शन ज्यादा मतलब बेटर? किन बातों का आपने ज्यादा ध्यान दिया? जब इंटरव्यू से पहले मेरे को यानी बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हुआ, और जब मैं रात को सो रहा था तो मैं रात को 2 बजे उठ गया था, सुबह इंटरव्यू है तो वो स्ट्रेस था, पर मैं फिर सो के फिर उठा। ओके, तो मैं यानी स्ट्रेस नहीं था बिल्कुल, मैं कह जो होगा देखा होगा देखा जाएगा। और आपके जो रेज्यूमे और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं पेन वगैरह उनके बारे में, और उन्होंने यानी कि इंटरव्यू से जस्ट पहले जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था तो उन्होंने कहा कि आप अदर स्टेट से हैं तो, और आपका वो यानी कि सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो हम मान्य नहीं करेंगे। ओके, तो वो भी यानी कि एक स्ट्रेस देने वाला था, बहुत बड़ी स्ट्रेस वाली बात होगी आपके लिए तो फिर। हाँ, तो वो मैंने यानी स्ट्रेस नहीं लिया उस चीज़ का, मैं कह सर कोई बात नहीं मैं जनरल में सिलेक्ट होता हूँ। वेरी गुड, और मैं सिलेक्ट भी हो गया जनरल से। ओके, दैट्स वंडरफुल, ये ऑप्टिमिज्म भी था इनका कि इन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे को 3 नंबर ज़्यादा लेने हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचा इन्होंने, कहा नो प्रॉब्लम सर मैं जनरल के लिए फाइट करूँगा, डजंट मैटर। वंडरफुल, और जो भी इंस्ट्रक्शन थे इंटरव्यू से पहले जो भी आपको क्या क्या यानी कि अंदर जैसे क्या लेके जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, वो सब वो खुद की रीजनल लैंग्वेज में बोलेंगे, आपको हिंदी और इंग्लिश में नहीं प्रोवाइड करेंगे। ओके, जैसे गुजराती में सभी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको क्या क्या जैसे टोकन देते हैं पहले, राइट, और आपको कहाँ पर बैठना है, पानी पीने के लिए क्या है, वो सब कुछ यानी कि उन्होंने गुजराती में बोला। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस जगह पर भी आप जाओ आपको उस लैंग्वेज से वेलवर्स होना चाहिए। वेरी गुड, दिल्ली मेट्रो का भी इंटरव्यू चल रहा है इन दिनों और बहुत से बच्चे हमसे क्वेश्चन से पूछ रहे, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे, उनको किस बात की तैयारी करनी चाहिए मेजर जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहे? सर यानी कोई भी इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि वो अंदर जाकर क्या पूछेंगे क्वेश्चन, जैसे मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था और वो यानी फ्रैंक बिल्कुल फ्रैंक थे, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप एक स्माइल के साथ अंदर जाएंगे तो अगले पर्सन का भी व्यवहार वही होगा जो आप उसके सामने प्रेजेंट। बिल्कुल, वेरी गुड, जैसे आपका मेगा इंटरव्यू था फिर भी आपसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया, राइट, आपको लगता है कि वो किसी से नहीं पूछा गया या कुछ फ्रेंड से आपसे पूछा गया? सर कई फ्रेंड से आपसे पूछा गया ऐसा था? नो सर, यानी कि
फुली नॉन टेक्निकल इंटरव्यू था ओके आपसे कुछ नहीं पूछा गया क्योंकि एक इंटरव्यूअर को पता होता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप अच्छे से पढ़ के वेरी गुड यू आर एन इंजीनियर तो आपसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया था यस सर वो क्या क्वेश्चन था व्हाट इज द इंपल्स सिग्नल ओके इंपल्स सिग्नल तो आपको मालूम था अच्छे से वंडरफुल तो आपको क्या लगता है ये जो जॉब्स है ये टेक्निकल राउंड के हिसाब से चल रही है या फिर एक ऑर्डिनरी हिसाब से इंटरव्यू ले रहे हैं सर ऑर्डिनरी हिसाब से इंटरव्यू हो रहा है और जो स्टेशन कंट्रोलर है उससे यानी कि एक दो क्वेश्चन टेक्निकल भी आ रहे हैं ओके स्टेशन कंट्रोलर से ज्यादा टेक्निकल सारे वेरी गुड और जो जूनियर इंजीनियर था उससे थोड़े भी टेक्निकल वेरी गुड और सीआरए से मुझे नहीं लगता कि सीआरए से टेक्निकल सीआरए नॉन टेक्निकल यस यस ऑफ कोर्स उसमें तो सिर्फ असिस्टेंस है आपको मैनेज करना है राइट आपको एक लाइजनिंग रखनी है आपको कस्टमर्स को हैंडल करना है इवन आपको क्राउड मैनेजमेंट करना है राइट वंडरफुल एंड आफ्टर द इंटरव्यू जब आपका इंटरव्यू हो गया तो हमें पता होता है कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है तो आपने मतलब निकलने के बाद रूम से चैम्बर से आपका क्या मतलब था आपकी सिचुएशन पहले हमको ये इंस्ट्रक्शन थी कि अगर आप आपका इंटरव्यू होते ही आप वहाँ पर रुकेंगे नहीं किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे मैं सीधा वहाँ से निकल गया और सीधा बस अपने फादर के पास ओके तो आपने मुझे फ़ोन करके बताया था कि सर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है और मेरे सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा है आपने एक दो मुझे और बातें बताई थी यूनिक सी जो आपने इंटरव्यू के दौरान आपके साथ घटित हुई थी सर वो उन्होंने ऑफर किए थे मेरे को ओके तो आपने इजीली टेस्ट किए यस सर और आपने क्या कहा उन्हें अरे सर बहुत अच्छा है मैं इसको यानी कि आगे भी टेस्ट करना ही चाहूँगा ओके बिल्कुल सही बात है आप पॉजिटिव आंसर दो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट सो फ्रेंड्स एज वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू व्हाट इज हैपनिंग आपको कुछ कुछ एक्सपीरियंस जरूर मिला होगा और इन दिनों आप सी आर एस वगैरह के इंटरव्यू दे भी रहे हैं तो मेरा मानना है कि मेट्रो के अंदर सिलेक्शन के लिए आपको एक सबसे अच्छी तो स्माइल रखनी है और वो हर इंटरव्यू का पार्ट है तो ड्यूरिंग एन इंटरव्यूज आपकी बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत अच्छे से ध्यान रखो इवन जो ड्रेसअप बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है बहुत से बच्चे जो बोल रहे हैं ड्रेसअप नहीं करके गए तो डेफिनेटली दैट वॉज अ वर्स्ट पार्ट फ्रॉम दैम और उनके मार्क्स जरूर कट ऑफ कट हुए होंगे That is the reason Bhunesh got selected and others not. तो Bhunesh ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने उस बात को मैनेज किया उस बात को फर्टाइल बनाया और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग आप गए That's nice. तो कुछ आपको लगता है कि वो इंग्लिश में बोल रहे क्वेश्चन ही आपसे हिंदी में ही पूछ रहे हैं सर मिक्सअप था सर वो यानी कि जो इंटरव्यूअर थे वो तीनों आईएएस थे और उनमें से एक साउथ का था तो उन्होंने इंग्लिश ओके तो फ्रेंड्स देखिए कि ना ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है कि मुझसे जो बच्चे पूछते हैं जैसे अभी आपने बोला रही हूँ दैट पीपल आर आस्किंग हिंदी में दें कि इंग्लिश में दें किस लैंग्वेज में दें तो आप प्लीज़ वर्सटाइल होइए हर लैंग्वेज का आप कमांड बनाइए राइट तो मुझे लगता है इतना सेशन इनफ है जिससे आपको काफ़ी कुछ मालूम चला होगा रैनी आई वॉन्ट दैट यू शुड वाइंड अप द सेशन एंड टॉक टू अवर पर्सन एंड इफ यू प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड हम आगे भी जैसे सर ने हमें बताया कि अभी इनका शायद पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट रह गया है तो उससे रिलेटेड अगर हमको कोई भी हमें नॉलेज होती है तो हम श्योर आपके साथ वो शेयर करेंगे ताकि आप भी उसका बेनिफिट ले सकें एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसा मैं पहले भी कहती आई हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप प्लीज़ हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए ताकि हम उसका एक फ्रूटफुल आंसर आपको दे सकें एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो